एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको अपने नाम को 5 बार प्रिंट करना है और इसका सी प्रोग्राम बनाना है तो इसको कैसे करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे और एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर टेस्ट करके देखेंगे। आपका समय ज़्यादा ना लगे इसलिए मैंने प्रोग्राम को पहले से यहाँ पर लिख दिया है व्हाइट बोर्ड पर। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया जो कि है stdio.h। इसके बाद हमने मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया हमने इंटीजर टाइप का आई, और crsr फंक्शन को हमने यूज़ किया है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। हमने लूप चलाया है यहाँ पर फॉर का 1 से लेकर 5 तक, लेस देन इक्वल टू 5, और आई प्लस प्लस हमने कल लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा इसका, यानी कि आई की वैल्यू 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन अप टू 5 तक जाएगी। और इसका हमने जो एग्जीक्यूशन लाइन लिखी है, यानी यहाँ लिखा है printf \n\t, यानी न्यू लाइन पर टैब देकर आपको अपना नाम प्रिंट करना है। मैंने एक एग्जाम्पल मान लिया है कि आपका नाम मान लीजिए दीपक कुमार है, आप कोई भी नाम हो आपका वो आप यहाँ लिख देंगे। तो ये 5 बार आपके नाम को प्रिंट कर देगा। और उसके बाद हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। और इस प्रोग्राम को अब हम एक ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी टेस्ट करके देख लेते हैं, जिससे आपको बेटर समझ में आएगा, बेहतर समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, clrscr फंक्शन को और getch फंक्शन को मैंने कमेंट किया हुआ है, क्योंकि ये ऑनलाइन सी कंपाइलर पर रन नहीं हो पाते हैं। जब आप टर्बो सी में इस प्रोग्राम को लिखेंगे तो आप उसको यूज़ करेंगे, clrscr को भी और getch को भी। यहाँ पर मैंने एक नाम एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया है दीपक कुमार, आप कोई भी नाम यहाँ पर रख सकते हैं। और जैसा कि क्वेश्चन में था कि 1 से लेकर 5 तक इसको प्रिंट कराना है हमें, तो इसलिए मैंने लूप 1 से 5 तक भी चलाया है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं रन करने में 5 बार दीपक कुमार यानी जो भी नाम है वो प्रिंट हो रहा है। और आप साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि पहले नाम में कोई टैब स्पेस नहीं आया है। तो ये आपके टर्बो सी कंपाइलर में नहीं होगा ऐसा, केवल ये ऑनलाइन सी कंपाइलर में ऐसा हो रहा है। ये कुछ डायनेमिक अपने आप को स्पेस ले लेता है या कुछ रिमूव कर लेता है। देखिए अब यहाँ पर ठीक आ गया, अगली बार रन कराएं फिर से चेंज हो गया ये। तो ये पॉसिबिलिटी है इसमें ऑनलाइन सी कंपाइलर में। आप देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है ये, तो जब आप उसमें प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर बिल्कुल ठीक आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम। ये हमने व्हाइट बोर्ड पर समझा, फिर ऑनलाइन सी कंपाइलर पर भी समझा। और फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।